Yes, today I am going to tell you 9 ways to improve a Google Ad CTR. आपके ऐड पर क्लिक थ्रू रेट कैसे बढ़े उसके लिए 9 वेज बताने वाले। पहला, इम्प्रूव योर क्वालिटी स्कोर। सेकेंड है, यूज द बेस्ट एड एक्सटेंशन। यूटिलाइज अ स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी। टेस्ट डिफरेंट एड टाइप। राइट कंपेलिंग एड कॉपी। Create tight theme keyword groups, split test advert copy, highlight pricing in ad copy, use remarketing audience. इस तरह से 9 ढंग से हम अपने CTR को ad पे बढ़ा सकते हैं, जो हम लोग 1 by 1 सीखेंगे. So, चलिए start करते हैं. Improve your quality score. अपने quality के score को बढ़ाइए. Quality score is a metric tracked in Google Ads that gives each keyword in your account a score from 0 to 10. आपका score जो होता है account में वो keywords के through 0 to 10 count होता है. It's measure of relevance and quality of your advertising, जो कि आपके advertising की quality को measure करता है. There are many factors that influence your quality score. अब क्वालिटी स्कोर किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? फ्रॉम द रेलेवेंस ऑफ योर पेज पर क्लिक लैंडिंग पेज टू द टॉपिकल ऑफ योर एड्स कॉपी बाय डिस्प्लेइंग द कीवर्ड इन योर एड हेडलाइन, योर एड कॉपी एंड एड यूआरएल. इसमें 4 चीज़ें होती हैं कि आपका कैसे डिस्प्ले हो रहा है, उसकी हेडलाइन क्या है, उसके को कैसे कॉपी किया गया है और उसके यूआरएल में आपका ऐड का यूआरएल क्या है. ये सब चीज़ें पे डिपेंड करता है कि आपका ऐड का क्वालिटी क्या है. तो ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए कि यूआरएल में अपने कीवर्ड को यूज़ करें और उसकी हेडलाइन में भी कीवर्ड को यूज़ करें और डिस्प्ले करने में भी उसको यूज़ करें. सेकेंड इज, यूज द बेस्ट एड एक्सटेंशन. अब ये क्या होता है, एड एक्सटेंशन क्या होता है? करंटली देयर आर अराउंड 10 टाइप ऑफ एक्सटेंशन. 10 तरह के एक्सटेंशन होते हैं जिसमें से हम कुछ आपको नीचे बता रहे हैं जो कॉमनली यूज होते हैं. साइट लिंक एड एक्सटेंशन, पहला है साइट लिंक एड एक्सटेंशन. इज एन एक्स्ट्रा लाइन ऑफ टेक्स्ट दैट डिस्प्ले व्हेन योर एडवर्ड अपीयर इन द टॉप ऑफ द 3 पोजिशन. अब आप आपके फर्स्ट 3 पोजीशन में जब आपका ऐड दिखता है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइन दिखाई देती है जिसे साइट लिंक कहते हैं. साइट लिंक एक्सटेंशन के ऐड एक्सटेंशन कहते हैं. कॉल एक्सटेंशन, अब दूसरे टाइप का एक्सटेंशन क्या है? सिमिलर टू द साइट लिंक, एडिंग कॉल एक्सटेंशन टू योर एडवर्ड मेक इट इजियर फॉर पीपल टू गेट इन टच इजिली एसेसिबल. अब उसमें कॉल करने की आप फैसिलिटी ऐड में दे देते हैं कि आदमी जब ऐड देखता है तो वो तुरंत आपको कॉल करके, आपसे कांटेक्ट करके इजीली आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है. थर्ड है प्रमोशन एक्सटेंशन. प्रमोशन कैसे आप करते हैं? प्रमोशन एक्सटेंशन अलाउ यू टू हाईलाइट स्पेशल ऑफर और डील एंड इट्स डिस्प्ले बिलो योर ऐड. आप जो ऐड देते हैं उसमें आपका ऑफर रहता है, डील्स रहती है जो कि आपके ऐड के नीचे डिस्प्ले होती है. वो कौन कौन से प्रमोशनल एक्सटेंशन होते हैं? मॉनेटरी डिस्काउंट होता है, परसेंटेज डिस्काउंट होता है, अप टू मॉनेटरी डिस्काउंट होता है और अप टू परसेंटेज डिस्काउंट होता है. जो भी प्रोडक्ट आप डिस्प्ले करते हैं उस पर आपका मॉनेटरी डिस्काउंट होता है या परसेंटेज डिस्काउंट होता है या अप टू मॉनेटरी या परसेंटेज डिस्काउंट होता है. तो डिस्काउंट देखकर लोग कितने परसेंट डिस्काउंट है, लोग ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. प्राइस एक्सटेंशन, प्राइस एक्सटेंशन प्रोवाइड एडिशनल लिंक इन योर एडवर्टीजमेंट दैट विल टेक यूजर डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज. अगर आप ऐड के साथ प्राइस भी दे देते हैं तो एक एडिशनल वैल्यू हो जाती है और लोग आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा देखना चाहते हैं. यूज टू डिस्प्ले डिफरेंट प्राइसिंग टायर, see example below. A different level of service offering, आप different तरह की service किस तरह की देंगे वो offer करते हैं. Improve your quality score, आप अपने quality score को improve करते हैं.
and also will improve your click-through rate by making an information user require quickly. जैसे ही आपका यूजर आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन को बोलता है तो आप उसको तुरंत ही उसकी क्वेरी को पूरा करते हैं. तो क्लिक थ्रू रेट इस तरह के एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा होता है. तो नेक्स्ट है यूटिलिटीज स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी. अब स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, आप खुद से जब फिक्स करते हैं कि हम एक क्लिक पर 30 पैसा 25 पैसा 10 पैसा दे सकते हैं, जो भी आप सेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका एड फिक्स हो जाता है और आप अपने प्रोडक्ट को उतने अच्छे से एडवर्टाइज नहीं कर पाते हैं, ना ही उन टारगेट ऑडियंस तक पहुँचा पाते हैं जिनको आप दिखाना चाहते हैं. तो स्मार्ट बिडिंग जब आप यूज़ करते हैं तो गूगल विल ऑटोमेट व्हेन योर एड्स अपीयर. गूगल के पास फैसिलिटी होती है कि वो आपके ऐड को अपीयर करने में ऑटोमेशन करे. विद अ व्यू टू ओनली एंटरिंग योर एड इन मोर टारगेटेड ऑप्शन यू विल गेट अ हायर क्लिक थ्रू रेट. और जब वो आपके टारगेट ऑडियंस को दिखाता है ऑप्शन के थ्रू तो आपको ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट मिलती है. द मेन बेनिफिट ऑफ दीज न्यू स्ट्रेटेजी इज दैट दे ऑफर ऑक्शन टाइम बिडिंग विच बेसिकली मीन बाय यूज मशीन लर्निंग टू एडजस्ट द बिड ऑफ योर कीवर्ड इन ईच एंड एवरी सिंगल ऑक्शन. जब वो ऑक्शन पे काम करता है तो जिस टाइम पे बिडिंग क्या होनी चाहिए वो गूगल तय करता है और ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के थ्रू होता है जिससे कि वो ऑटोमेटिकली आपके ऑप्शन को की बिडिंग को चेंज कर देता है. अब ऑप्शन बिडिंग चेंज होने से क्या होता है, आपको ज़्यादा ऑडियंस मिलते हैं, ज़्यादा क्लिक मिलता है और CTR आपका बढ़ जाता है. सिंस एवरी ऑप्शन इज डिफरेंट इट सिंपली इज इम्पॉसिबल टू डू दिस मैनुअली, जो आप मैनुअली नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो फिक्स कर दिया कि 20 पैसा 25 पैसा देंगे. लेकिन जो गूगल होता है वो मशीन लर्निंग के थ्रू आपके बिडिंग को चेंज कर देता है और उन ऑडियंस तक पहुंचाता है जिनसे आपको क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा और वो आपके एड्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखना पसंद करेंगे. टेस्ट डिफरेंट एड टाइप. अब आप अपने ऐड के डिफरेंट टाइप को यूज़ करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऐड ज़्यादा चल रहा है कौन सा नहीं. इसमें है पहला रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट ऐड हैव बीन शोन टू इंक्रीज क्लिक थ्रू रेट. दे हैव द एडेड एडवांटेज ऑफ बीइंग एबल टू यूज मोर देन जस्ट 3 हेडलाइंस फील्ड एंड 2 डिस्क्रिप्शन फील्ड इन एक्सपेंडेड सर्च ऐड. अब इस तरह का रिस्पॉन्सिव ऐड जो होता है उसमें 3 हेडलाइन फील्ड होती है और 2 डिस्क्रिप्टिव फील्ड होती है जिससे आप ऐड को अपने एक्सपैंड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अपने ऐड के बारे में अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं. दिस इंक्रीज योर चांसेस ऑफ शोइंग अ मोर रेलेवेंट ऐड फॉर अ रेलेवेंट सर्च. और इस तरह से आपकी सर्च बढ़ सकती है और आपका ज़्यादा अच्छा ऐड हो सकता है. विद द राइज ऑफ मोबाइल सर्चेस गूगल ऐड हैज ऑल्सो रिलीज न्यू गूगल डिस्कवरी ऐड फॉर मोबाइल स्पेसिफिक ब्राउजिंग. अब मोबाइल के लिए गूगल ने एक नया गूगल डिस्कवरी ऐड बनाया है जिसके थ्रू लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं. राइट कंपेलिंग ऐड कॉपी. अब आप अपना ऐसा ऐड बनाइए कि लोग पढ़ ही पढ़ें. ट्राई टू हाईलाइट योर यूनिक सेलिंग पॉइंट. आपके सेलिंग का यूनिक पॉइंट क्या है उसको डिस्क्राइब करिए. व्हाई शुड पीपल क्लिक योर एड एंड नॉट योर कंपटीटर्स. व्हाट डू यू ऑफर दैट द अदर डू. आप ऐसा कुछ अपने ऐड में लिखिए जो आपका कंपटीटर नहीं लिख रहा है जिससे कि आपके ही ऐड को वो खोले ना कि आपके कंपटीटर को. यू शुड बी अ राइटिंग कंपेलिंग एड कॉपी दैट स्टैंड आउट फ्रॉम योर कंपटीटर एडवर्ट्स. इफ योर Ad copy is interchangeable with your competition, then your CTR is likely to suffer. अगर आपका ad compelling होगा तो आपके competitor का ad से अच्छा होगा तो लोग आप ही के ad को खोलेंगे ना कि आपके
कंपटीटर को, अदरवाइज वो आपके कंपटीटर का ऐड खोलेंगे और जिससे कि आपका क्लिक थ्रू रेट सफर करेगा। क्रिएट टाइटली थीम्ड कीवर्ड ग्रुप। अब आपको अपने ऐड में कुछ कीवर्ड ऐसे यूज करने होंगे जिससे कि आपका सर्च में ज्यादा आया है। ऑल द ऑप्शंस इन गूगल ऐड इंटरफेस आर डिजाइन टू एनकरेज टू ऐड मल्टीपल कीवर्ड्स इनटू योर अकाउंट एंड इनटू योर ऐड ग्रुप। अब आपने एक ऐड ग्रुप बनाया तो उसमें आपको बहुत से कीवर्ड लगाने चाहिए जो कि आपके अकाउंट के सर्च को बढ़ाएं। बट वेन पीपुल सर्च फॉर कीवर्ड इन योर एड ग्रुप कंटेनिंग मोर देन 20 कीवर्ड्स, द एडवर्ड दैट अपीयर इज नॉट वेरी लाइकली टू कंटेन द कीवर्ड द यूजर इज सर्चिंग फॉर। लेकिन 20 से ज़्यादा कीवर्ड जब आप लगाते हैं तो, और फालतू के कीवर्ड लगा देते हैं तो जो चीज़ वो यूज़र सर्च करना चाहता है उसको नहीं मिलेगा, तो आपका एड को वो नहीं सर्च कर पाएगा और ना ही देख पाएगा। The solution is to tightly group themes or keyword into smaller group and make sure that the advert copy contains a keyword at least twice if possible. और कोशिश करिए कि आपके ऐड में एक कीवर्ड दो बार आए जिससे कि आपका सर्च में जल्दी आए और आपका ऐड का ग्रुप जो होता है वो स्मॉल होना चाहिए कि ना कि बहुत बड़ा। तो आपकी थीम टाइट होगी और कीवर्ड लिमिटेड होंगे तो सर्च में आपका ऐड जल्दी आएगा। स्प्लिट टेस्ट एडवर्ट कॉपी। गूगल ऐड गिव्स यू अ टूल यू नीड टू रन एक्सपेरिमेंट इन योर कैंपेन। अब आप जो ऐड चलाते हैं उसके लिए गूगल टूल देता है कि आप अपने ऐड को दो तीन तरह के ऐड में स्प्लिट करके लोगों को दिखाइए। वन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज स्प्लिट टेस्ट, जिसको हम स्प्लिट टेस्ट कहते हैं। वेयर यू कैन क्रिएट अ डिफरेंट वेरिएशन ऑफ योर एड कॉपी व्हेन इट कम्स टू स्प्लिट टेस्टिंग योर एडवर्ड, यू शुड बी ट्राइंग टू डू दिस विद टू और थ्री एड्स इन ईच एड ग्रुप। अब एक एड ग्रुप में आप दो तीन तरह के एड्स आप दिखा सकते हैं। बाई क्रिएटिंग वेरिएशन ऑन योर एडवर्ड यू आर एबल टू टेस्ट विच एड गेट द हाइएस्ट प्रपोर्शन ऑफ द क्लिक। अब आप उससे ये पता कर सकते हैं कि किस ऐड के थ्रू आप अपने हायर क्लिक को बढ़ा सकते हैं, क्लिक थ्रू रेट को बढ़ा सकते हैं। उस वाले ऐड को आप ज़्यादा यूज़ कीजिए और जिससे आपको एडवर्स इफेक्ट मिले, जिस पर क्लिक कम हो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। वंस दे हैव रन फ्रॉम एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम you can then pause the worst performing one and create another variation to split test it again. अब उसमें क्या करेंगे, जो जिस पे कोई क्लिक थ्रू रेट अच्छा नहीं है उस वाले पोर्शन को हम छोड़ सकते हैं और जिस पे ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट आ रहा है उस पोर्शन को हम प्रमोट कर सकते हैं। Remember to switch off the worst performing ad when you create a new one. Too many ads will lead to much poorer ad relevance and CTR. जिस तरह से कीवर्ड ज़्यादा होने से प्रॉब्लम हो सकती है उसी तरह से ज़्यादा ऐड होने से भी प्रॉब्लम हो सकती है और लोग आपके ऐड को नहीं देखेंगे। और कोशिश करिए जिस पे क्लिक थ्रू रेट अधिक मिले उस ऐड को रखिए और जिस पे क्लिक थ्रू रेट ना मिले उस ऐड को हटा दीजिए। तो ये इस तरह का काम जो होता है वो स्प्लिट टेस्ट एडवर्ट कॉपी कहलाता है। हाईलाइट प्राइसिंग इन ऐड कॉपी। अब अपने ऐड के साथ आप प्राइस भी दीजिए। एडिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन एडवर्ड कॉपी कैन ऑफन इम्प्रूव CTR, जो क्या करेगा आपके क्लिक थ्रू रेट को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो कितने प्राइस का है। स्पेशली इफ योर प्राइस इज लोअर देन दैट ऑफ योर कंपटीशन एंड दिस इज इमीडिएटली एविडेंट व्हेन समवन सीज योर्स एंड देयर ऐड साइड बाय साइड। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मनी के रेफरेंस में आपका ऐड देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जिसकी लोअर प्राइस हो उस पर जाएं तो आपके ऐड को वो लोग ज़्यादा देखेंगे वनस्पत उस ऐड के जिसकी प्राइस हाई है। व्हाई डज इट वर्क। अब ये काम क्यों करता है? इट वर्क बिकॉज इट गिव द पर्सन सीइंग योर ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन विदाउट देम हैविंग टू डू एनीथिंग येट लाइक क्लिक योर ऐड। अब क्योंकि प्राइस आपकी कम है
और आपने प्राइस दिया है तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई कि प्रोडक्ट शो करने के साथ साथ आप प्राइस भी दे रहे हैं, तो लोग आपके ऐड को ज़्यादा देखेंगे और इंटरेस्टेड रहेंगे आपके ऐड को देखने में। यूज रिमार्क कटिंग ऑडियंस। अब आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाइए जिनको पहले से आप जानते हैं और ये चाहते होंगे कि वो ऐड देखे ही देखे, तो अ रिमार्केटिंग कैंपेन एनेबल यू टू सर्व परफेक्ट एड्स टेलर टू स्पेसिफिक यूजर। अब जो आप जिनको जानते हैं उनको जब आप दिखाइएगा तो वो ज़्यादा आपके ऐड को देखेंगे और आपको ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट मिलेगा। यू कैन चूज टू टारगेट विजिटर हु आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ योर ब्रांड और यू कैन क्रिएट अ स्पेसिफिक ऐड टू अप सेल मोर प्रोडक्ट टू एग्जिस्टिंग कस्टमर। अब आपके पास पहले से जो कस्टमर है उनका एड्रेस है उनका, तो उन्हीं को आप एडवर्टाइज कीजिए जो आपके ब्रांड को पहले से जानते हैं, दे आर मोर लाइकली टू क्लिक ऑन योर ऐड और वो ज़्यादा पसंद करेंगे आपके ऐड को देखने में। कन्वर्सली एक्सक्लूड शो योर ऐड टू विजिटर यू माइट कंसिडर टू बी अ टाइम वेस्टर। लेकिन ऐसे लोगों को दिखाइए जिनको आपके ऐड से कोई मतलब ही नहीं है, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप उन ऑडियंस के पास जाइए जो आपके ब्रांड को पसंद करते हैं। विच गूगल ऐड सी टी आर इम्प्रूवमेंट टेक्निक वर्क फॉर यू। अब इन सब में से आपकी कौन सी टेक्निक आपके लिए वर्क करती है ये आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि ये प्रोडक्ट के थ्रू हमने CTR को समझाया, उसी तरह अगर आपका वीडियो का कंटेंट अच्छा होगा, उस पर लगे ऐड अच्छे होंगे, उस पर क्लिक थ्रू रेट अच्छा मिल रहा है, तो आप अपने ऐड्स को भी चेंज कर सकते हैं और जिस ऐड पे ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट मिल रहा है उसको लगा सकते हैं, जिससे कि आपके वीडियो पर ज़्यादा विजिटर आए और आपके प्रोडक्ट को पहले से आपके ऑडियंस जानते हों, जो पसंद करते हों, उन्हीं को आप अपने वीडियो को दिखाइए। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। गो टू कम्युनिटी, लाइक कमेंट एंड आंसर ऑन पोल, फॉलोइंग ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, टैग करना। थैंक यू। सो बी हैप्पी एंड यूज दिस टेक्निक to increase your CTR.